Hi guys, welcome to EduStep. Hope you all are doing well. So we are talking about chapter 6, that is quadrilateral. हम class 9 की NCERT discuss कर रहे हैं. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो class 9 maths NCERT और उसमें हम लोग chapter 8 quadrilaterals के बारे में discuss कर रहे हैं. अभी तक 3 videos हम लोग already put up कर चुके हैं, जिसमें introduction और कुछ properties of parallelograms और एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो उसमें हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, फर्स्ट 3. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में कंटिन्यू करेंगे. सो एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन. हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो हमको ये क्वाड्रिलैटरल का एक पर्टिकुलर नेम इसलिए दिया है कि जब हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा क्वाड्रिलैटरल ये है, तब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, सो स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम गिवन अज्यूम करेंगे, राइट? तो क्या बोला है हमको कि show that diagonals of a square bisect each other at right angle. तो दो diagonals हमने draw कर दिए, दो diagonals draw कर दिए, इसको name कर लेते हैं A, B, C and D, right? तो हमको क्या prove करना है? एक तो पहले given देखते हैं, given क्या है इसमें हमको? Given है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. स्क्वायर है तो चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. और चारों एंगल्स क्या होंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज व्हाट? 90 डिग्री, ठीक है? और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दैट सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो तीन चीजें इसमें हमें प्रूव करनी है. फर्स्ट थिंग इज दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं. फिर सेकेंड हमें प्रूव करना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है? और थर्ड हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल, कोई भी एक एंगल, ये सेंटर पे कोई भी एक एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? 90 डिग्री. तो सपोज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हम लोगों को क्या करना है? ये प्रूव करना है, राइट? तो ये हम लोगों को प्रूव करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के साथ में जाते हैं. ए सी इज इक्वल टू बी डी. ए सी इज इक्वल टू बी डी के लिए हम कौन से ट्राइंगल्स पिकअप करेंगे? We are going to pick up triangle ACD, triangle AC, wait just a second, हम लोग सिर्फ यहाँ पे first वाला part लिखते हैं. तो first वाला part हमको क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है AC is equal to BD, right? तो triangle ACD एंड ट्राइंगल कौन सा पिक कर रहे हैं? ए सी डी एंड बी सी डी, ठीक है? एक ये वाला ट्राइंगल एंड द सेकेंड वन इज दिस बी सी डी, ठीक है? ये दो ट्राइंगल्स हम लोग पिकअप करेंगे. तो सबसे पहले ये देखो कि ये वाली साइड इक्वल है आपस में और ये क्या है? कॉमन साइड है सी डी. और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना? तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये हमने गिवन अज्यूम किया है, ठीक है? फिर सी डी इज कॉमन साइड, राइट? सी डी इज कॉमन साइड और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? तो बाय साइड एंगल साइड रूल हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. तो हेंस ए बी सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी डी, कैसे? बाय
सीपीसीटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट। फिर सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू OC, राइट, एंड BO इज इक्वल टू OD। ये प्रूव करना है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको इसमें प्रूव करना है, सॉरी, राइट। तो सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, AO इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन से, सॉरी, AO इज इक्वल टू OC, तो उसके लिए हमें कौन से ट्रायंगल पिक करने पड़ेंगे, एक ट्रायंगल AOB, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन COD। तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। तो एक तो इसमें ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड्स है तो इक्वल होंगी, राइट। और नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, एक तो ये हो गया, दूसरा ये दोनों एंगल्स देखो हमारे, ये वाले एंगल देखो, एक एंगल ये देखो, सबसे पहले क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, बोथ साइड में, एक ये एंगल बी ए सी और एंगल ए सी डी, और दूसरी साइड में एंगल ए बी डी और बी डी सी। तो ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। और इसका रीजन हम क्या डालेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और दूसरा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, सेम रीजन, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा रूल यूज हो जाएगा, बाय एंगल साइड एंगल रूल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, है ना। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD बाय CPCT, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, AO इज इक्वल टू OC प्रूव हो गया और BO इज इक्वल टू OD प्रूव हो गया। इसका मतलब दैट दी, अभी तक हमने क्या प्रूव कर लिया, दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर, सॉरी, दे आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू पिक अप टू एडजेसेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट ट्रायंगल्स हम लोग पिकअप करते हैं, एडजेसेंट ट्रायंगल्स कौन से हमारे, एक हमने पिकअप कर लिया ट्रायंगल AOB और दूसरा पिक कर लिया हमने ट्रायंगल AOD, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल्स हमने पिकअप कर दिए, ठीक है। अब इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं कैसे। एक तो ये देखो, ये कॉमन साइड, वी हैव प्रूव दैट BO इज इक्वल टू OD एंड थर्ड AB is equal to AD. तो by side 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 SSS rule से हमारे जो triangles हैं दोनों वो congruent prove हो जाएंगे। तो जब ये congruent prove हो गए तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों angles equal होंगे। तो angle AOB is equal to angle AOD, ठीक है। और एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल AOD
इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी, सॉरी 180 आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमने इसको 90 प्रूव कर दिया। अब ये और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए, 90 के इक्वल हो गए। हेंस वी हैव प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, राइट। तो अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है गाइज, वो मैंने इसमें नहीं किया है बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिमिलर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आई विल रीड इट आउट टू यू वंस। वो क्या बोलता है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज रिवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका रिवर्स है। तो आप लोग बहुत इजीली उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, उस पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो हमको डायग्राम गिवन है, हमको डायग्राम गिवन है बुक में, राइट। तो क्या बोला है इसमें हमें कि डायगोनल एसी ए सी सी एंड डी, तो डायगोनल एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो मतलब क्या है कि एंगल डी ए सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है। वी हैव टू शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बाइसेक्ट एंगल सी के लिए हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है, और ए बी सी डी इज अ रोम्बस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, मतलब चारों साइड क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो फर्स्ट देखो, जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, सिर्फ ऐसे ही सॉल्व हो सकता है कि हाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो और सीपीसीटी से। यू हैव टू यूज योर ब्रेन की शॉर्टेस्ट मेथड हमारा कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट मेथड यहाँ देखो, हमको पता है कि पैरेलल हमारा पैरेललोग्राम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ए डी इज पैरेलल टू डी सी, है ना, और सी डी इज पैरेलल टू ए बी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी सॉरी एंड सी डी इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो पैरेललोग्राम से हमारी ये चीजें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो एंगल डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, है ना, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ए आई लिख दिया मैंने, इसका मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली जब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हमारा एंगल डी सी ए एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है, सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डी सी ए कौन सा है, डी सी ए ये वाला, और सी ए बी कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और थर्ड क्या है इसमें, अब हमको पता है पहले से जो चीज, वो ये है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्यों, वो हमें गिवन है ऑलरेडी, है ना, वो हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी एंड इक्वल टू बी ए सी, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल डी सी ए
विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, मतलब कि हमारा ये वाला एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हेंस डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, राइट, तो अगर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड ऑल्सो थर्ड, ये वाला एंगल और मतलब बी ए सी एंड डी सी ए इज ऑल्सो इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डी ए सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी सी ए, हेंस वी हैव प्रूव द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। अब सेकेंड में हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, उसके लिए हमको चारों साइड्स को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। इसमें अब हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, राइट, तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, हमारे पास है डी ए सी, है ना, ट्राइंगल ट्राइंगल डी ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सी डी इज इक्वल टू ए बी, अगेन सेम रीजन, और जो हमारी ए सी है वो क्या हो गई, ए सी इज द वेट जस्ट ए सेकेंड, इस रूल से नहीं प्रूव करते हम इसको, हम लोग इसे वेट, हम इसे दूसरे उससे प्रूव करते हैं, एंगल साइड वेट जस्ट, तो हमारा कौन से ट्राइंगल्स थे, हमारे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, है ना, तो उसमें हमें ये पता है, अभी तक हमने प्रूव किया था ये बात पहले, एंगल एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, है ना, और एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, है ना, और ए सी क्या है, कॉमन साइड, तो क्या हो गया, एक एंगल ये साइड और ये वाला एंगल, दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, इक्वल है, तो बाय एंगल साइड एंगल रूल हमारा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब बाय सीपीसीटी एडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए बी एंड डी सी इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी डी, अब ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, ये हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जब ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, तो ऑब्वियसली ये चारों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है, हेंस प्रूफ, तो दोनों पार्ट्स हमारे ऐसे प्रूव हो गए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड जो डायगनल है वो एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्वेश्चन सेज ए बी सी डी इज अ रोम्बस सो दैट डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगनल बी डी bisects angle B as well as angle D. तो सबसे पहले अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो रोम्बस बनाना है हमें, ये हमारा रोम्बस बन गया, ठीक है, उसमें दो डायगनल्स हैं, एक ए सी और एक
बी डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, राइट। तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों साइड्स इक्वल है ना। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल ए बाइसेक्ट्स एंगल, सॉरी द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल्स अपने पिकअप कर लेते हैं, एक हो गया ट्रायंगल ए बी सी एंड द अदर वन इज ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हो गए हमारे। अब इसमें ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम किसी के भी इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, और सी डी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी क्या है, वो है हमारी कॉमन साइड, ठीक है। तो एस 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 रूल से हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द डिस्टिंक्ट द डायगोनल ए सी इट बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, है ना। इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये पूरा एंगल ए है और इसको जो हमारा डायगोनल है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ये पूरा एंगल सी है और इसको जो है वो टू इक्वल हाफ्स में हमारा डायगोनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली सेम पैटर्न पे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, खुद ट्राई करो, बहुत इजी है। एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना है, सेम। अब इसमें हम लोग ट्रायंगल्स कौन से पिकअप कर लेंगे, एक हो गया ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा हो गया ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा हो गया ट्रायंगल ए सॉरी ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। ये वाला बी सी डी और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए। अब सेम एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, और सिमिलरली ए बी डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी बी डी, ठीक है। ये हमारे दोनों एंगल्स प्रूव, दोनों पार्ट्स जो है वो प्रूव हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, so that ABCD is a square, diagonal BD bisects angle B and angle D. तो एक rectangle है, एक ये हमको rectangle given है, ठीक है, A, B, C and D, right? और दो diagonals हैं, एक BD और एक ए सी, सॉरी थोड़ा डी शेप हो गया, पर यही हमारे दो डायगोनल्स है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि एंगल जो हमारा ए सी है इट बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है हमारा डायगोनल। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रेक्टेंगल है तो हमें ये पता है कि ए बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू सी डी एंड पैरेलल ऑल्सो, एंड ए डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी सी एंड पैरेलल ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ए बी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ करना है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ये डायगनल्स पिकअप, ये ट्राइंगल्स पिक कर लेते हैं सेंटर पॉइंट को ओ मार्क करके, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है। ए ओ बी और ए ओ डी ये दो ट्राइंगल्स हमने पिक कर लिए। इसमें सबसे पहले हमको पता है कि हमारे जो
जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक तो हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू एंगल डी ए सी है ना, क्योंकि ये हमें गिवन है. तो ये एंगल्स हमारे इक्वल हो गए दोनों. फिर ये हमारी कॉमन साइड है ना, ये कॉमन साइड हो गई. और ये जब रेक्टेंगल होता है, हमें ये बात पता है कि रेक्टेंगल में द डायगनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इन अ रेक्टेंगल. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंगल हमारा इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है और ये वाला एंगल है ना. एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी है ना. तो उससे हमारी ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे राइट. ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ठीक है. तो अब देयरफॉर हमारी जो साइड है ए बी इट इज इक्वल टू ए डी कैसे, बाय सीपीसीटी ठीक है. सीपीसीटी से हमारे ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए राइट. तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि जब ये और ये ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी, तो इसका मतलब क्या है, सी डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए डी और ए डी बी सी के इक्वल है, तो सी डी एंड ए बी आर गोइंग टू बी इक्वल टू बी सी. तो हमारी चारों साइड क्या हो गई, इक्वल प्रूव हो गई ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. इसमें हमको अब एक और चीज प्रूव करनी है कि हमारा जो एंगल है, कॉर्नर एंगल, वो क्या है, वो है 90 डिग्री ठीक है. 90 डिग्री प्रूव करना है हमको. तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो कि हमारा जो ये ए बी है दैट इज पैरेलल टू सी डी है ना. तो ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल डी, ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना. एंगल ए और एंगल डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो इसका सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी 180 डिग्री ठीक है. अब हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं. इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए, तो जस्ट अ सेकेंड, एंगल ए नहीं लेते हम लोग, एंगल सी ले लेते हैं. वो फिगर आउट करना थोड़ा इजी है, ऐसे उसकी डायरेक्शन अलग हो गई तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. एंगल डी एंड एंगल सी वी आर गोइंग टू पिक ठीक है. तो इसमें जब हम ये दो ट्रायंगल्स पिकअप कर लेंगे, ये देखो एक है हमारा ट्रायंगल ट्रायंगल बी बी सी डी और दूसरा है ए सी डी ठीक है. तो इसमें एक तो हमारी ये साइड इक्वल है, ये वाली है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. और क्या इक्वल है, ये कॉमन साइड है हमारी. और डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी. तो एस 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 रूल से हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई. तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. तो इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमारा एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया राइट. तो ये हमारा एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया. जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, डायगनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी. तो ये सेम है पहले जैसा, यहाँ पे हमको एंगल ए गिवन था और सी हमने प्रूफ किया था और बी डी हमको प्रूफ करना है कि वो जो डायगनल बी डी है वो एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है. सिमिलरली डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी, ये हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है राइट. तो आई गेस वी आर डन. अब पार्ट थ्री में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग. सारे अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चंस में क्या करना है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, वो हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाएंगे राइट. सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू
review and also share and subscribe to our channel. Thank you.